ईटानगर के गौरीशंकर मंदिर इलाके में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। उधर घटना की गंभीरता को देखते हुए दमोह पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह देर शाम हट्टा पहुंचे और स्कूल पहुंचकर पीड़ित छात्रा से मुलाकात की। साथ ही घटनास्थल का मुआयना कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी से स्कूल प्रबंधन ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि मंगलवार सुबह शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ घर लौटते वक्त छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। गौरीशंकर मंदिर के पास बाइक सवार तीन लड़कों ने फिल्मी अंदाज में छात्रा का रास्ता रोका और छेड़छाड़ करने लगे। छात्रा के विरोध करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला भी किया था। छात्रा की माने तो लड़के उसे कुछ समय से परेशान कर रहे हैं और स्कूल के वार्षिक उत्सव में भी वो आए थे, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं। इधर घटना के बाद से हटा सहित कई थानों की पुलिस संबंधित इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई है। मतलब थोड़ी पहले से एनुअल फंक्शन के पहले से परेशान कर रहे थे और ऐसे लगातार मतलब उस रास्ते से दिख रही थी, तो हमने अपना बचाव करने के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं और बहुत गंदा गंदा बोल रहे थे, हम इस रास्ते से आने का मतलब पहले स्टार्टिंग में तो इग्नोर जैसा किया, लेकिन जब उनका ज्यादा हुआ तो फिर मैंने थोड़ी उससे पॉइंटों को जिसने बोला फिर मैंने उनको पकड़ा। वो ऐसा बोलते थे, वो बहुत गंदा बोलते थे। वो तीन लोग थे, एक हमेशा फेस कवर नहीं रहता था और दो ऐसे रहती थी। और जिसके आधार पर हमने इसमें एफआईआर किया है और पतारसी कर रहे हैं। अभी बच्चे के कथन ले रहे हैं, माइन्यूटली उसकी जो सारी बातें हैं उसके उसको देख के और जो भी उसमें से हमको मिलता था तो उसके आधार पर आगे विवेचना की। सर, स्कूल प्रबंधन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस ने एफआईआर मिलेट ले दी थी, ऐसा अभी मेरे चर्चा में उन्होंने बताया है और अगर किसी ने इसमें उसमें किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी तीनों फरार है, कब तक गिरफ्तार होगा, क्या मानते हैं? बिल्कुल, उनकी पहचान होते ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी क्योंकि जो पीड़िता है, बच्ची है, उससे अभी उसको भी उतना आइडिया नहीं कि कौन से लोग थे, क्या थे। और जैसे मुख्यमंत्री कमलनाथ के माफिया